अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो पीयू के लिए नहीं आएगा। खुशी, तो ऐसे क्यों बोल रही है? तू क्या कह रही है पुत्र? है जी, ऐसा क्यों कह रही? क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ खुशी? कुछ हुआ है क्या? अरे बोल ना। पूर्वी, सब ठीक है ना? सच सच बता, कोई और बात है क्या? हाँ पूर्वी, क्या बात है? देखा मैं, तू और खुशी कुछ तो बात करे, तू कोई टेंशन है क्या? बता ना, अब मैं तुझे अपनी कसम दूँ तब बताएगी। नहीं, वो आरवी और मेरा झगड़ा हुआ था। अरे तो वो तो तूने बताया ना, इसे लड़ाई थोड़ी कहते हैं। ये लड़ाई नहीं है बेटा। अरे अभी तो शादी हुई है। हाँ, और लड़ाई लड़ाई नहीं करनी चाहिए था ना तुझे पूर्वी पुत्र? हाँ पूर्वी, ऐसे पतियों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पता है, इनका कुछ नहीं जाता, नुकसान पत्नियों का होता है। अरे बस चुप हो जाओ, क्या बोल रहे हो सब? पूर्वी देख बेटा, इसे लड़ाई नहीं कहते हैं, इसे नोक झोंक कहते हैं। और जब नोक झोंक होती है ना, उसे पति पत्नी और करीब आते हैं। अब हम लोग की नई नई शादी हुई है, तो इसीलिए थोड़ा एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा। और समझो, सच में अगर लड़ाई हुई भी तो आपस में बात करके सुलझा सकते हैं मामले को। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। रे, मैंने देखा है ना जिंदगी में, अरे बिन्नी को देखा था। हाँ, उसकी ऐसी ही तेरी जैसे शादी हो गई, पति के घर चली गई, उसके साथ झगड़ा हो गया और फिर पग फिर के लिए घर पे वापस आई। उसका पति उसको लेने आया ही नहीं, और फिर उसके बाद जिंदगी भर अपने मायके में पड़ी रही। और तो और, उसकी बहनों की भी शादियां नहीं हुई, और उसकी माँ को तो जिंदगी भर सबसे सुनना पड़ा। अब बताओ, इसीलिए बड़े कहते हैं कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर वक्त पर नहीं सुलझी ना, तो सबकी जिंदगी तबाह हो जाती है, समझी बेटा? वाजी, आप ये क्या बोल रही है? अभी इस सिचुएशन में कुछ नहीं होगा, हम कुछ सोचते हैं। नहीं, अब जो सच है हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता वो आएगा। अगर आना होता तो आ चुका होता अब तक। मेरे बारे में कुछ कह रही हो? यहीं तक साथ आना था, इससे आगे नहीं आ पाऊंगा। मोनिशा मेरी फियांसी थी, सगाई हुई थी हमारी, और कुछ महीनों में हमारी शादी भी होने वाली थी। तुम्हारे और पूर्वी के डिवोर्स के पास साइन करके घर भिजवा देना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।